नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मेरी ओर से आप सभी को नवरात्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज की वीडियो इनकम टैक्स के एक बड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे लेकर आपके समक्ष आया हूँ, क्लेमिंग बेसिक एग्जम्पशन अगेंस्ट कैपिटल गेन इनकम। मतलब क्या है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का या टॉपिक का, कि बहुत सारे लोगों को ये पर्टिकुलर पॉइंट, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन परेशान करता है। साहब, जब हमारे पास में कैपिटल गेन की इनकम है, चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की है, तो भाटिया जी, उससे हमें बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आज की इस वीडियो के थ्रू आपके समक्ष इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, कवरेज क्या है, मैं क्या क्या फॉर्मेट में ये पर्टिकुलर पॉइंट आपके सामने रखने जा रहा हूं, हु मे क्लेम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, के सबसे पहले ये समझें कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट कौन क्लेम कर सकते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन, कैपिटल गेन के टाइप्स क्या क्या हैं, इस पर्पज से एक बार उस पर भी आपकी नजर दौड़ाऊंगा। रेगुलर इनकम वर्सेज कैपिटल गेन, विच इज एलिजिबल फॉर बेसिक एग्जम्पशन एडजस्टमेंट फर्स्ट, यानी रेगुलर इनकम हो या कैपिटल गेन इनकम हो, मैं रेगुलर इनकम को नॉर्मल इनकम भी बोल सकता हूँ, अदर इनकम भी बोल सकता हूँ। तो मैं दोनों में एक कंपैरिजन करना चाहता हूँ कि रेगुलर इनकम वर्सेस कैपिटल गेन इनकम, विच इज एलिजिबल फॉर बेसिक एग्जम्पशन एडजस्टमेंट फर्स्ट। वी विल ऑल्सो सी द क्वेश्चन वेदर द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द असेसी इज इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अगेंस्ट द कैपिटल गेन इनकम और नॉट। तो आइए दोस्तों, आगे लिए चलता हूं आपको इन्हीं पर्टिकुलर पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करने के लिए। So, जैसा मैंने कहा था सर, कि सबसे पहले इस बात को समझें कि हु मे क्लेम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का मतलब क्या है, कि आप सब इस बात से अवगत हैं, यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस, दैट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ऑफ ₹2.5 लाख इज अवेलेबल टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सो आई पुट इट स्पेसिफिकली टू से दैट ओनली एन इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आर एलिजिबल फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बेनिफिट बाय डिफॉल्ट, एंड अदर असेसीज आर नॉट एलिजिबल। तो ये जो क्वेश्चन या ये जो वीडियो मैं लेकर के आपके समक्ष आया हूं, ये पार्टनरशिप फर्म्स के लिए, कंपनीज के लिए कतई एप्लीकेबल नहीं होती। अब यहां देखिए दोस्तों, आपके समक्ष बात रख रहा हूं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन। हालांकि आपको ऑलरेडी इन बात की जानकारी होगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म गेन, अगर मैं उसका बाइफरकेशन करूं तो दो मेन क्लासिफिकेशन है इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट स्लैब रेट या नॉर्मल रेट। स्लैब रेट नॉर्मल रेट एक ही है। स्लैब रेट का मतलब क्या सर, 2.5 लाख तक टैक्स नेल, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच 5%, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। या आप नए स्लैब रेट की बात करें तो नए स्लैब रेट के हिसाब से जो टैक्स असेसी पर लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मली उन्हीं रेट्स पर टैक्सेबल होता है। लेकिन दोस्तों, एक विशेष लॉन्ग टर्म सॉरी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट होती है, वो होती है सेक्शन 111 ए की। नाउ व्हाट इज सेक्शन 111 ए की टैक्स रेट, वो है अगर आपने लिस्टेड सिक्योरिटी शेयर मार्केट के थ्रू बेची और आपको एसटीटी लगा, तो सेक्शन 111 ए कहता है वहां पर आपको 15% की टैक्स रेट देनी होगी। तो ये एक स्पेशल टैक्स रेट का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। ऐसा ही टैक्सेशन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के केस में भी, जहां पर हम उनको शॉर्ट टर्म में बेचते हैं और बेचते समय एसटीटी लगता है, वहां पर भी सेक्शन 111 15% की रेट पर टैक्स लगाता है। तो ये एक स्पेसिफिक रेट का, स्पेशल रेट का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है। और अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं दोस्तों, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जनरल जो रेट होती है वो होती है 20%। लेकिन अगर आप लिस्टेड सिक्योरिटीज या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट्स या बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स बेचते हैं और बेचते समय एसटीटी लगा है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट के केस में या शेयर्स के केस में, तो आपको मात्र 10% की टैक्स रेट लगेगी। पर एक बात बड़ी पक्की है कि लॉन्ग टर्म का जो टैक्सेशन होता है वो हमेशा स्पेशल रेट पर होता है, क्योंकि 10% या 20% दो रेटें हैं, उसका स्लैब रेट पर टैक्सेशन होता ही नहीं। लेकिन शॉर्ट टर्म नॉर्मली नॉर्मल रेट पर टैक्सेबल होते हैं, अनलेस शॉर्ट टर्म गेन आपका सेक्शन 111 ए के नेचर का कैपिटल गेन हो। तो ये बाइफरकेशन समझना इसलिए जरूरी है सर, कि जो मेरा टॉपिक है कि आपको कैपिटल गेन की इनकम में से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलेगी या नहीं, जब तक आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बाइफरकेशन इस प्रकार नहीं कर लेते, तब तक मेरे मूल प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिल पाएगा। तो आइए दोस्तों, अब अगला सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है, रेगुलर या अदर इनकम बोल दूं वर्सेस कैपिटल गेन इनकम, विच इज एलिजिबल फॉर बेसिक एग्जम्पशन एडजस्टमेंट फर्स्ट। कि क्या असेसी के हाथ में है क्या,
कि वो ये चूज कर ले कि साहब मैं रेगुलर इनकम में से पहले बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ले लूं, या मुझे अगर ज्यादा बेनिफिशियल है तो मैं फिर कैपिटल गेन इनकम जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% की रेट पे जो टैक्स हो रहा है, मैं क्यों ना उसमें से पहले बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट एग्जॉस्ट कर लूं। तो यहां जो मेरा उत्तर है उसे देने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रहा हूं, सेक्शन 112 सबसेक्शन 1 क्लॉज है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अभी मैंने आपसे डिस्कस किया 20% के रेट पर जो टैक्सेबल होता है, उसमें इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए बात की गई सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में एक प्रोविजो के रूप में, प्रोवाइडेड दैट वेयर टोटल इनकम एज रिड्यूस्ड बाय सच लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज बिलो मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, देन सच लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट बाय विच द टोटल इनकम एज सो रिड्यूस्ड फॉल शॉर्ट ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स एंड द टैक्स ऑन द बैलेंस ऑफ सच लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेल बी कंप्यूटेड एट द रेट 20%। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसे मैं आगे एक एग्जाम्पल के रूप में भी आपके समक्ष रखूंगा कि आप जब अपनी टोटल इनकम पर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसमें स्पेशल रेट की इनकम जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% 20% या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15%, इनको अलग हटा दीजिए। अब बाकी की इनकम देखिए, अगर आपकी बाकी की इनकम अबव एग्जम्पशन लिमिट आ चुकी है यानी 2.5 लाख से ऊपर है तो एग्जम्पशन लिमिट क्लेम करने का प्रश्न ही नहीं उठता कैपिटल गेन में से। इससे एक बात का आंसर आ गया क्या कि रेगुलर इनकम में से या अदर इनकम में से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट पहले मिलता है बनस्पत कैपिटल गेन की इनकम में से। अब मान लेता हूं आपके पास में स्पेशल टैक्स रेट का कैपिटल गेन बचा है और आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट पूरी एग्जॉस्ट नहीं हुई है, तो ऐसी परिस्थिति में अब आपको स्पेशल रेट की इनकम में से भी यानी कैपिटल गेन की इनकम में से भी जो बाकी बची हुई अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उसका बेनिफिट निश्चित रूप से मिल सकता है। मैं इस बात को आगे उदाहरण के रूप में आपके समक्ष रखता हूं। तो देखिए दोस्तों, इस एग्जाम्पल में आपके सामने तीन सिचुएशन रख रहा हूं कि मैं मान लेता हूं कि एसएससी रेजिडेंट है और उनकी एज 35 ईयर्स है। एसएससी मिस्टर ए बी और सी, तीन एसएससी मैंने यहां पिक किए सर। पहले एसएससी के केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 3 लाख का जबकि अदर इनकम कुछ नहीं है, निल है। तो मेरा अगला प्रश्न, क्या उनको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलेगा? बोले हाँ साहब, 2.5 लाख रुपए का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिस्टर ए को मिलेगा। तो इसका मतलब टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितनी इनकम पर रखेगा, लिया जाएगा 3 लाख माइनस 2.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 20%। अब मिस्टर बी का केस देखिए दोस्तों, अगेन उनके पास भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 लाख का है, अदर इनकम 1.5 लाख रुपए की है यानी टोटल इनकम उनकी 4.5 लाख है। अब क्वेश्चन ये कि क्या उन्हें बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलेगा? तो बोले साहब मिलेगा तो सही, लेकिन पहले इस अदर इनकम में से मिलेगा। तो जब इसमें से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में से ये 1.5 लाख घटा दिए तो अब हमारे पास में कितना अमाउंट बचा, बेसिक एग्जम्पशन 2.5 माइनस 1.5 मींस 1 लाख। तो अब आप 1 लाख रुपीज इस 3 लाख में से रिड्यूस कर दीजिए और बैलेंस अमाउंट जो आपके पास में बच गई यानी 2 लाख, उस पर 20% की रेट से कैपिटल गेन की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लीजिए। अब मिस्टर सी का केस ले लेते हैं दोस्तों, जिनकी टोटल 7.5 लाख की टोटल इनकम है, 3 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 4.5 लाख की अदर इनकम। तो अगला क्वेश्चन, क्या इनको इस 3 लाख में से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलेगा? आंसर इज क्लियर नो, क्योंकि ये जो 4.5 लाख है वो ऑलरेडी 2.5 लाख से ऊपर है। तो अब एक तरीके से उन्हें 3 लाख पे कितना टैक्स देना पड़ेगा, 20%। तो आई होप द पॉइंट इज नाउ क्लियर टू यू विद रेफरेंस टू दिस एग्जाम्पल। आइए दोस्तों, अब आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रख रहा हूं जिसकी मैंने शुरू में हिंट दी थी कि वेदर रेजिडेंशियल स्टेटस इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लेमिंग बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अगेंस्ट कैपिटल गेन इनकम और नॉट, के आपके कैपिटल गेन की जो इनकम है उसमें से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट तब मिल सकता है जब आपकी अदर इनकम अबव बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं है या अदर इनकम है ही नहीं। तो यहां रेजिडेंशियल स्टेटस क्या रोल प्ले करेगा उसको मैं एक उदाहरण के रूप में आपके सामने रखता हूं कि सेक्शन 111 ए जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% रेट से टैक्स लगाता है, जहां आपने इक्विटी शेयर, लिस्टेड इक्विटी शेयर बेचे या आपने इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बेचे और आपको बेचते समय एसटीटी लगा तो आपको मात्र 15% के रेट पर टैक्स लगेगा। तो ये प्रोविजो देखिए सर, 111 ए सबसेक्शन 1 क्लॉज 111 ए सबसेक्शन 1 का प्रोविजो बोलता है, प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ एन इंडिविजुअल और एचयूएफ बीइंग अ रेजिडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सर, प्लीज नोट इट, बीइंग अ रेजिडेंट वेयर द टोटल इनकम एज रिड्यूस बाय सच शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज बिलो द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, देन सच शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट बाय विच
total income as so reduced falls short of maximum amount which is not chargeable to income tax, and the tax on the balance of such short-term capital gain shall be computed at the rate 15%. दोस्तों इससे ये बात बड़ी स्पष्ट प्रूव हो जाती है और मैं आपको बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ, चाहे 111A की इनकम हो, चाहे 112 की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की 20% की इनकम हो, और चाहे दोस्तों 112A सेक्शन में 10% के रेट पर टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम हो, इन तीनों का ही बेनिफिट जब आप ले रहे हैं, यानी आप कंसेशन रेट रिजीम का बेनिफिट ले रहे हैं और साथ साथ आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तभी ले पाएंगे जब आपके पास में दूसरी इनकम नहीं है कोई भी, या है तो बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, तो बैलेंस अमाउंट का आप यूटिलाइजेशन इस इनकम से एडजस्टमेंट लेना चाहते हैं। क्वेश्चन यह है कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का यहां जब आप एडजस्टमेंट करेंगे तो ये एडजस्टमेंट केवल रेजिडेंट को मिलेगा सर, नॉन रेजिडेंट को कतई नहीं मिलेगा। इसका मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग वेदर द असेसी विल बी एंटाइटल टू अवेल द बेनिफिट ऑफ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अगेंस्ट द स्पेसिफाइड कैपिटल गेन इनकम और नॉट। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो जिस विषय पर मैंने आपके समक्ष आज चर्चा करी कि क्या कैपिटल गेन की इनकम के अगेंस्ट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलती है नहीं, उस पर कुछ सार आपके सामने लाने में सहायक रही होगी। हालांकि कुछ और भी क्वेरीज हैं जो इससे रिलेटेड हैं और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लेवल तक जाती हैं, पर मेरा पर्पस जनता जनार्दन तक एक सिंपल अप्रोच के रूप में स्पष्ट रूप में अपनी राय रखने का रहता है। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा मैसेज आप तक कम्युनिकेट हुआ होगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।